जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नाबालिग बालिका का अपहरण कर अनाचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, थाना सूर्यनारायण पुलिस की कार्रवाई। थाना सूर्यनारायण में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि पीड़िता को दिनांक 9/10/2021 को संदेही प्रताप कुमार निषाद द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना सूर्यनारायण में अपराध क्रमांक 384/21 धारा 363 भारतीय दंड विधान कायम किया गया। प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल से तकनीकी सहायता एकत्र किया गया। साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना से टीम तैयार कर प्रकरण के अपहर्ता का सतत रूप से पतातलाश किया जा रहा था। दिनांक 18/5/2022 को आरोपी प्रताप कुमार निषाद उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम खरगहनी थाना सूर्यनारायण के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन दर्ज कराया गया। पीड़िता ने अपने कथन में बताई कि आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ राजस्थान ले गया, उसके बाद शादी कर पत्नी के रूप में रखा था। इस बीच पीड़िता 6 माह की गर्भवती हो गई, जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 366/376 भारतीय दंड विधान 4/6/501 जोड़ा गया है। प्रकरण के आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर एवं पर्याप्त सबूत पाए जाने से आरोपी प्रताप कुमार निषाद उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम खरगहनी थाना सूर्यनारायण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कराया गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक रविंद्र अनंत तथा सहायक उप निरीक्षक विजय केवट, महिला आरक्षक 97 सरोजनी कटकवार एवं साइबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राछा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। राकेश को पीड़िता के पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी नाबालिग लड़की कहीं चली गई है। कि रिपोर्ट पर धारा 363 कायम कर इसमें लिया गया था और रिपोर्ट दर्ज कराने के समय प्रताप कुमार निषाद ग्राम खरगहनी को भगा ले जाने का संदेह उनके द्वारा व्यक्त किया गया था। विवेचना दौरान बाद में ये पता चला कि लड़की नाबालिग लड़की और संदेही के साथ नाबालिग लड़की देखा गया है। इस सूचना पर टीम रवाना किया गया था और मौके पर ग्राम खरगहनी से पीड़िता को आरोपी प्रताप कुमार निषाद के कब्जे से बरामद किया गया है। और पीड़िता से पूछताछ दौरान ये बातें सामने आई कि पीड़िता को बला फुसला करके भगा कर ले गया था और बाद में शादी कर ली। शादी करने के उपरांत पति पति के रूप में रह गए थे और इसी दौरान जो है लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई थी। प्रार्थिया पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366/376 4/6/501 जोड़ी गई है। आरोपी प्रताप कुमार निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और